ये उनके घर को जाने का रास्ता है। ये खिड़की आपको दिख रही होगी और नीचे पूरा पानी। स्वागत करते हैं आपका एक और नई सीरीज़ में, और आज मैं हूँ वेनिस इटली में, द फ्लोटिंग सिटी, एक ऐसी सिटी जो पानी में तैरती है। ना यहाँ पे कोई रोड्स हैं, ना यहाँ पे कोई गाड़ी चलती है, ना बाइक चलती है, ना स्कूटर चल रहा है, ना कार, ना बस, कुछ नहीं, ना ट्रेन चलती हैं। वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट ब्लॉग में कहाँ तक चलती हैं, कैसे चलती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप इसको द सिटी ऑफ लव भी बोल सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस पूरे वेनिस को, और यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा ये आपको पता लगेगा ब्लॉग के एंड में। जैसे सामने ये होटल है, यहाँ से आप बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे कार या बस नहीं मिलने वाली, आपको मिलेगी बोट। ये वेनिस सिटी लगभग 118 छोटे छोटे आइलैंडों से मिलकर बना हुआ है, और इसमें करीब 400 से ऊपर ब्रिज हैं, जो कैनाल हैं उसके ऊपर ब्रिज हैं इधर उधर जाने के लिए। ये रहे ये छोटे छोटे ब्रिज, 400 से ऊपर ब्रिज हैं, एक उधर पे है, इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। ये छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पे। वेनिस अभी तो इटली के अंदर है, इससे पहले एक बार ये ऑस्ट्रिया का भी रह चुका है, फ्रांस का भी रह चुका है। ऑस्ट्रिया का था, फिर ऑस्ट्रिया से फ्रांस ने लिया, अभी फिर इटली के पास है दोबारा। तो युद्ध के दौरान कई देशों ने इस पर रूल भी किया है। ये जो पूरा वेनिस शहर है ये मैन मेड है, इंसानों ने बसाया हुआ ये शहर है, मैन मेड आइलैंड आप इसको बोल सकते हैं। जब ये बना था यहाँ पे कुछ नहीं था, पूरा दलदल था, कुछ फार्मर्स यहाँ पे आए थे, ऐसा कुछ स्टोरी है, फार्मर्स आए थे और उन्होंने ये युद्ध से बचने के लिए और उन्होंने ये शहर को बसाया है। इसके नीचे बहुत सारे बम्बूस को डाला हुआ है, बहुत सारे बम्बूस, और उसके बाद उस बम्बूस को ऊपर से ट्रिम कराया, फिर फ्लोरिंग करी है, फिर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इसके ऊपर बनी हुई हैं। तो इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है। जैसे ये देखिए, इस तरह के लकड़ी के बम्बूस, बहुत मोटे मोटे बम्बूस लाखों के तादाद में इसके नीचे गड़े हुए हैं, और उसके बाद फिर इसके ऊपर वुडन फ्लोरिंग, बहुत सारी लेयर बाय लेयर फ्लोरिंग की गई है, फिर उसके बाद ये बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई हैं इतनी प्यारी प्यारी। ऑलमोस्ट जो भी आप बिल्डिंग्स देखेंगे पुरानी बिल्डिंग है, नहीं यहाँ पे कोई नहीं देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि जो भी ज़मीन है, जो भी लैंड थी, उसमें सब कंस्ट्रक्शन हो चुका है, होटल्स बन चुके हैं, घर बन चुके हैं, कुछ इस तरह का ये पूरा वेनिस है। सामने ये घर देखिए, ये उनके घर को जाने का रास्ता है, ये खिड़की आपको दिख रही होगी और नीचे पूरा पानी। यहाँ भी जैसे घर है, ये गलियाँ हैं, लोग बाहर आएंगे अपनी बोट पकड़ेंगे और चल देंगे। यहाँ पे उनको ना एक बाइक तक आप नहीं चला सकते इस पर। तो इस तरह का है पूरा वेनिस। इस पूरी सिटी में अगर आपको ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ बोट्स मिलेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, वाटर टैक्सी और बोट्स सिर्फ यही मिलेंगी। और यहाँ पे भी कई बार ट्रैफिक जैम लग जाता है। पूरी सिटी में ये नहरों का ही जाल है, आपको कहीं भी ट्रैवल करना है आपको बोट के थ्रू ही ट्रैवल करना होगा। घर से बाहर निकलते हैं आपको छोटा सा ये रास्ता मिलेगा जिस पर मैं आपको चल रहा हूँ, उसके आगे फिर आपको ये नहर मिलेगी, बोट पकड़ो और चलो। ये जो जा रही है ये है वाटर टैक्सी। ये मकान का आपको दरवाज़ा दिख रहा होगा, ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है, नीचे वाले फ्लोर तक पूरा पानी जाने लग गया होगा। अभी वेनिस का जो है जलस्तर थोड़ा बढ़ चुका है, यहाँ पे अक्सर बाढ़ आती रहती है। 2019 में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी, उसके बाद अभी लगातार यहाँ का जलस्तर बढ़ते रहता है। तो इस वजह से आप देखेंगे जो पानी है वो करीबन 1 फीट ऊपर आ चुका है। इसके लिए वैसे इटालियन गवर्नमेंट ने बहुत कोशिशें की हैं, जैसे मूसा बैरियर, समंदर में बैरियर्स लगाए हुए हैं ताकि पानी अंदर ना आए, और अभी एक नए प्रोजेक्ट पर वो काम कर रही है, इसके नीचे पानी को इंजेक्ट करेगी। बहुत बड़े बड़े कुएं खोदे जाएंगे और उसके अंदर प्रेशर से पानी डाला जाएगा, तो इससे जो ये पूरी वेनिस है इसकी हाइट को थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है। इस पर भी वो काम कर रही है, थोड़ा बहुत मतलब कुछ सेंटीमीटर उसकी हाइट ऊपर उठाई जाएगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा उठाने पे
बिल्डिंग्स का गिरने का खतरा भी हो सकता है। तो ये देखिए, जैसे ये लोगों के घर हैं यहाँ पे, और ये रही इनकी बोट। जैसे हमारे घर के आगे किसी की बाइक, किसी की कार, किसी का स्कूटर खड़ा रहता है, इनकी बोट्स खड़ी हैं, छोटी बोट, बड़ी बोट। घर से निकलो, अपनी बोट में बैठो और चलो। देखिए, लोगों के कपड़े सूख रहे हैं घर के आगे, और ये रही इनकी बोट। इससे आपको पता लग जाएगा पानी का जल स्तर कितना बड़ा है। देखिए, ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुका है, और सीढ़ियाँ देखें कितने नीचे तक बनी हुई है। यहाँ तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और अभी पानी यहाँ पहुँच चुका है। अगर आपको लग रहा है ये तो बहुत अच्छा है, घर से बाहर निकलो और पानी में कूद जाओ, नहा लो, तो आप यहाँ पे डाइव और स्विमिंग नहीं कर सकते हैं पानी में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 350 यूरो तक का फाइन लग सकता है। तो यहाँ पे आप स्विमिंग नहीं कर सकते हैं इस कैनाल में। अभी इस सिटी की आबादी लगभग 2.5 लाख के आसपास है। और जो आपको लकड़ी के पोल्स दिख रहे हैं जगह जगह, ये बोट को डॉक करने के लिए हैं। गंडोला राइड अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको पे करने होंगे 90 यूरो। यहाँ पे वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है गंडोला। ये रहा शानदार होटल, ये रही उसकी एंट्री, और यहाँ से आपको पकड़नी पड़ेगी बोट जहाँ आप होटल से चेकआउट करेंगे। वेनिस में घूमने के लिए जो बेस्ट टाइम है वो है सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड। तो ये सबसे बेस्ट मौसम है। और अभी मुझे यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस लोग दिख रहे हैं जो यहाँ पे अभी घूमने फिरने आए हैं वेनिस में, क्योंकि वेनिस एक ऐसा शहर है जो बहुत जानी मानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये बोट स्टेशन है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं बोट के लिए, वाटर टैक्सी के लिए। ये रहा स्टेशन, ये देखिए यहाँ से आप गोंडोला ले सकते हैं 90 यूरो में, वहाँ पे वाटर टैक्सी है। दिक्कत आपको ये होने वाली है लगेज की, यहाँ पे इस तरह से लगेज ले जाना पड़ेगा। इस तरह के ट्रॉली चलाने वाले लोग यहाँ पे मिल जाते हैं जो आपका लगेज लेके आएंगे होटल तक। क्या ऑसम व्यू दिख रहा है यार यहाँ से। ये और अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं वेनिस की मार्केट को। अभी मैं आपको उसी जगह पे लेके आ गया हूँ जहाँ पे आप खुदा जाने सॉन्ग की शूटिंग हुई थी, और मूवी का नाम क्या है उसका, बचना है हसीनो। यहाँ पे आपने देखा होगा बोट से निकलते हैं, यहीं पे शूटिंग हुई थी। बड़ा ही कमाल का शहर है। अभी तक आपको ब्लॉग में ना ही 4-व्हीलर दिख रहा होगा, ना ही 2-व्हीलर, आपको सिर्फ बोट ही बोट दिख रहे होंगे। डिब्री वाले यहाँ पे ऐसे बैग लेके घूमते रहते हैं, कि ना ही उनके पास स्कूटर है और ना ही उनके पास साइकिल, तो जाएंगे कैसे, पैदल ही जाना पड़ेगा। सामने जो आपको ये दुकान दिख रही है इसमें सब भांग से बनी हुई चीज़ें, जैसे चॉकलेट्स, बहुत सारी चीज़ें, लिक्विड वगैरह, बाम, कैंडीज, लॉलीपॉप। यही लोगों के घर और गलियां हैं यहाँ पे कुछ इस तरह की। यहाँ तक आपको सिर्फ बोट ही बोट मिलेंगी, यहाँ से आगे आपको यहाँ पे बसेस और टैक्सी मिलेंगी। और इस तरफ का मारगेरा, यहाँ से सीधे आगे जाएंगे, यहाँ एक ब्रिज है उसको क्रॉस करते ही मारगेरा लग जाएगा, और मैं भी जाऊँगा मारगेरा। अभी आपको गाड़ियाँ अब नज़र आ रही होंगी। अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ टर्मिनल की तरफ को। टर्मिनल से मुझे या तो बस लेनी पड़ेगी या तो फिर बोट लेना पड़ेगा मारगेरा क्रूज टर्मिनल तक जाने के लिए, वहाँ से मैं अपनी शिप में चला जाऊँगा। तो देखते हैं क्या मिलता है, बस मिलती है या बोट मिलती है क्रूज शिप तक जाने के लिए। वेनिस से मारगेरा तक मुझे जाना होगा, सुबह मारगेरा से यहीं पे आया था। पे गाड़ियों की पार्किंग, अगर आप गाड़ी से आते हैं और ये लाइन देखिए
पार्किंग के लिए लगी हुई है, यहाँ पे आप पार्क करो, ये लास्ट है जहाँ तक आप अपनी बाइक या कार को लेके आ सकते हो। ये पार्किंग है, यहाँ में पूरा एक्सप्लोर किया मैंने, और इस तरफ को आपको ट्रेन का स्टेशन मिल जाएगा। अगर आप बाय ट्रेन आते हैं तो उसी के सामने आपको टैक्सीज वगैरह मिल जाएंगी, वाटर टैक्सी। और यहाँ इस तरफ को है क्रूज़ का टर्मिनल। ये रही सारी गाड़ियाँ, जो लोग आपको शॉर्ट्स में या फिर ब्लॉग में बताते हैं वेनिस में आपको रोड नहीं दिखेगी, गाड़ी नहीं दिखेगी, तो ये रही भाई गाड़ियाँ। और सामने ये रहा पोर्ट ऑफ वेनिस, ये देखिए क्या लिखा होगा, वेनिसिया इटली में लिखा हुआ है। और इसके पीछे यहाँ पे देखिए आप बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, वेनिसिया, वेनिस, और इटालियन में बोलते हैं वेनिसिया। ये हैं सारी गाड़ियाँ, बट मुझे जाना है क्रूज पोर्ट, तो ये रहा पूरा क्रूज पोर्ट वाला एरिया, वहीं भी पार्किंग एक्चुअली है, और रेलवे स्टेशन है उस तरफ को। देखिए यहाँ पे या फिर आगे पूरी दीवार पे ये चिपका रखे हैं, और आपको पता है क्या चीज़ है, ये है च्युइंगम, आप च्युइंगम खाओ और यहाँ पे चिपका दो। और जैसे ये है, ये बनाया, और लोगों ने देखिए कितने च्युइंगम इसमें चिपका रखे हैं, पूरा यहाँ तक बनाया हुआ आगे तक है, ऐसे ही छोटा सा बोर्ड, उस बोर्ड में आपको चिपकाने हैं च्युइंगम, अपने खाए हुए च्युइंगम। ये लोगों की लास्ट पार्किंग, यहाँ तक आओ, अपनी बाइक वगैरह पार्क करो और निकल जाओ फिर वेनिस को एक्सप्लोर करने। और जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा था वो ब्रिज है यहाँ पे, ये देखिए इस ब्रिज को, जैसे लंबा सा ब्रिज है करीब 1.5 किलोमीटर का, इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो उस तरफ को मार्गेरा पड़ जाता है, और मार्गेरा का पोर्ट है उधर, मैं भी वहीं पे जाऊँगा। इसी ब्रिज से ट्रेन और गाड़ियाँ आती हैं वेनिस में, और अभी मैं इसी ब्रिज से जाऊँगा, या फिर हो सकता है मैं बोट से भी जाऊँ, देखते हैं क्या फैसिलिटी है, टर्मिनल में भी जाके देखता हूँ। आ चुका हूँ टर्मिनल के अंदर, 107 पे मेरे को जाना है अभी। ये टर्मिनल है BTP, वेनिसिया टर्मिनल पैसेंजरी, और अभी मैं आपको बता देता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ अभी यहाँ पे, ये टर्मिनल वाला एरिया देखिए, और मैं आया हूँ अभी यहाँ से, इस तरह से बाई बस आया यहाँ पे। अभी दो रास्ते हैं यहाँ तक जाने के, और ये पूरा वेनिसिया है, देखिए ये पूरा वेनिसिया है। यहाँ से या तो मैं बस के ज़रिए जाऊँगा, या फिर यहाँ से बोट लेके ऐसे जाऊँगा, तो देखते हैं क्या फैसिलिटी है। टर्मिनल है यहाँ पे, आने वक्त तो मैं बस से आया था, ये रही बसेस यहाँ पे। टर्मिनल से एग्ज़िट कर लिया, और मुझे जाना होगा बस से, नीचे बसेस लगी हुई हैं, बोट तो है नहीं। यही वो रोड है, और उस तरफ को देखिए रेलवे का ट्रैक है वेनिस से जो कनेक्ट करती है। मैं पहुँच चुका हूँ शिप के अंदर, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।